राम राम सारे भाइयों ने, वेलकम टू आर चैनल राठी के ब्लॉग्स। मैं मोहित राठी, मुझे आप लोग मोहित मम्मी भाई अपने फुटका से कट रहे। तो भाई आज अपने सामने खड़ी है क्रेटा पेट्रोल टर्बो, नंबर से आप शायद पहचान गए भाई, ये अपने प्रथम शौकीन की गाड़ी भाई, भाई का यूट्यूब चैनल है। तो भाई से मिलते हैं, आज लेते हैं इसका ओनरशिप रिव्यू। राम राम भाई, क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई, आप बताओ। अरे भाई मौज। तो भाई मेरा सबसे पहला क्वेश्चन भाई, क्रेटा ही क्यों? भाई क्रेटा थोड़ा है ना छोटी है और ऊंची भी है, तो मेरे को थोड़ी ऐसी चाहिए थी, ज्यादा पूरी है, प्रॉपर एसयूवी भी ना हो और कॉम्पैक्ट एसयूवी हो और पावर भी हो, इसलिए टर्बो ली भाई। अच्छा, तो भाई ये पेट्रोल में? हाँ भाई पेट्रोल टर्बो। कितने की बड़ी भाई आपको ये? भाई ये मैंने इसके ऊपर पैसे दिए थे जल्दी लेने के लिए, 9-10 महीने की वेटिंग थी, तो मेरे को 21 कुछ की पड़ी भाई। 21 लाख में आपने इस पे लगाई? हाँ भाई। तो भाई और कोई गाड़ी देखी थी 21 लाख के रेंज में, या फिर स्टार्टिंग से इसी का मन था आपका? भाई है, उस टाइम एक्सयूवी 700 आई नहीं थी, हैरियर देखी थी वो पसंद नहीं आई, और फिर यही था कि हैरियर थोड़ी बड़ी भी लग रही थी इसलिए भी नहीं आई पसंद, और ऊपर से उसको मेरे को लेनी ऑटोमेटिक ही थी। अच्छा, उसका ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मेरे को पसंद भी नहीं आया, तो टर्बो में डीसीटी आ रहा था, इसमें दो क्लच होती है भाई, जब गियर शिफ्ट करते तो पता नहीं चलता। अच्छा, तो भाई कितना इंजन मिलता है इसमें हमको? भाई 1400 सीसी का इंजन मिलता है, 138 bhp 242 nm टॉर्क निकालता है। तो भाई उस हिसाब से जान है गाड़ी में? हाँ भाई पूरी जान है गाड़ी में। अच्छा, तो भाई कितनी भगाई अभी तक आपने? भाई 200 टच कर रखी है। 200 टच कर रखी है, उसके बाद थोड़ी सी ऊंची गाड़ी है, कोई बैलेंसिंग के चक्कर में या फिर कोई रोल कोई चांस? कोई चक्कर नहीं है भाई, बस अभी है ना, पहले जैसे टायर नए थे तो स्टेबल हो गए, चलती थी। आजकल जैसे टग ऑफ वॉर वगैरह करते हैं हम, अच्छा, तो टग ऑफ वॉर में इसके आगे के टायर है ना घिसे हुए हैं। अच्छा, तो उसके बाद मैंने 200 भगाई थी तो थोड़ी अनस्टेबल हो गई चलती थी, लेकिन टायर डल जाएंगे ना जैसे नए तो दिक्कत नहीं आएगी। तो भाई पेट्रोल, हाँ भाई, प्राइस के हिसाब से तो भाई ये बताओ एवरेज क्या निकाल रही है अभी ये? भाई एवरेज निकाल देती है लोकल में 10 से 12, 10 से 12, और हाईवे पे 15+ निकाल देती है, प्यार से चलाते हैं। 17 निकाली हुई है भाई मैंने। आप सेटिस्फाई हो? हाँ भाई, इतनी एवरेज से सेटिस्फाई है, वही है भाई, थोड़ी सी एवरेज कम मिल जाएगी डीजल से, हाँ भाई, तो थोड़ी महंगी बिक जाएगी क्योंकि हमारे साइड 10 साल वाला चक्कर है। हाँ भाई, तो भाई अभी इससे आपने 21 लाख लगा तो दिए, कोई नेगेटिव पॉइंट अभी तक? नेगेटिव भाई सबसे बड़ा नेगेटिव इसकी लाइट्स है भाई, लाइट्स का कोई थ्रो नहीं है, और सेम यही हाल उसका भी है, सेल्टोस का। अच्छा, बस लाइट्स के अलावा आपको अभी तक कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं लगा इसमें? भाई कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं लगा अभी तक। और भाई 21 लाख लगाए, और भी गाड़ी आती हैं उनके कंपैरिजन में, हैरियर आप जैसे बता रहे थे उसके कंपैरिजन में ये आपको पॉजिटिव मिले, आपको उससे ज्यादा अच्छी चीज मिली है, वो क्या है भाई? भाई एक तो रिलायबिलिटी, टाटा बेशक अभी सुधार कर रहा है लेकिन आप काफी यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो, इतनी कंप्लेन आ रही है उनकी गाड़ियों में, और ह्युंडई इतने टाइम से चलता आ रहा है तो उनकी गाड़ियों में कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम आती नहीं है कि भाई गियर बॉक्स में दिक्कत आ गई, इंजन में दिक्कत आ गई, ब्रेक डाउन हो गई, तो ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है, चलती रहती है, मस्त सर्विस भी अच्छी है। अब जैसे टाटा का जो स्टाफ है वो रूड भी है, वो अच्छे से बिहेव भी नहीं करता कस्टमर से, तो ठीक है ह्युंडई में जाते हैं भाई, अच्छे से इज्जत से बात करते हैं तो हो जाता है, सारा काम हो जाता है भाई। भाई इसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, और तो भाई इसका जो ये खुलने वाला पार्ट है ना, हाँ भाई, ये XUV 700 INO से भी ज्यादा खुलता है। अच्छा भाई, हाँ। तो भाई यूज करा है? भाई पहाड़ों में यूज करा है, वैसे लोकल में तो आज तक यूज करा नहीं। तो लॉन्ग ड्राइव भाई अभी तक कोई से गए सबसे लंबी पे? स्पीति वैली गए थे जब 2500 किलोमीटर के आसपास चल गई थी गाड़ी। अच्छा भाई, हाँ, कोई दिक्कत नहीं थी गाड़ी, पहाड़ में चलाने में कोई दिक्कत आई हो? दिक्कत नहीं भाई, और गाड़ी फुल भरी हुई थी, 4 जने थे हम, यहाँ तक भी सामान रखा था, पूरी भर के गई थी, तो कोई पावर की कमी फील नहीं हुई, और 12 से 13 की एवरेज टोटल हमारी ट्रिप की निकली थी पहाड़ों की सब मिला के। तो भाई लास्ट पॉइंट कंक्लूजन, किसी के पास 21 लाख है तो इस गाड़ी में डालने चाहिए या नहीं डालने चाहिए? भाई वो सबकी अपनी प्रेफरेंस है भाई, जैसे अब मेरी प्रेफरेंस ये थी, इससे पहले मेरे पास XUV 500 थी और वो मैनुअल थी, डीजल में थी, लेकिन जैसे हाईवे पे तो ठीक थी वो गाड़ी, और ऑफ रोडिंग में भी मतलब नॉर्मल कर लेती थी, इससे तो ज्यादा ही कर लेती थी, लेकिन ये था कि भाई अगर नॉर्मल चलते हैं ना लोकल में तो उसको परेशान हो जाते थे, चला के मैं परेशान हो जाता था कि भाई बार बार क्लच वगैरह बड़ी भी ज्यादा हो जाती थी, तो मेरे को कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहिए थी, चाहिए भी थोड़ी ऊंची थी, और जैसे आप देखोगे भाई 25-30 लाख रुपए के अंडर है ना 4x4 गाड़ी थारी आती है, हाँ भाई, और ना स्कॉर्पियो आती, स्कॉर्पियो में कंफर्ट नहीं है, XUV 700 ही फ्रंट व्हील ड्राइव है, हाँ भाई, तो अगर कैपेबिलिटीज की बात करें ऑफ रोडिंग वगैरह की तो सेम ही है, ज्यादा फर्क आता नहीं है, तो मेरे को कॉम्पैक्ट चाहिए थी कि जो टिके भी ना मैं ट्रिप भी मार लूं जिसमें, हाँ भाई,
तो इसलिए मैंने यही लिया। और इसमें पावर जो नॉर्मल क्रेटा से उसमें इसमें ज्यादा है टर्बो में। अच्छा भाई। हाँ। तो भाई आपको कितने साल हो गए इसको ड्राइव करते हुए? अप्रैल में एक साल हो जाएगा मेरे को। तो भाई एक साल में कोई इसके बेस्ट फीचर्स बता दो आप मेरे को। भाई बेस्ट फीचर्स इसके तो एक तो यही है भाई, बोस का म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है। अच्छा भाई। इसका ये बहुत स्मूथ मिलता है, इसमें कोई लैग नहीं है ना ये हैंग होता। वेंटिलेटेड सीट मिल जाती है, ऑटो होल्ड मिल जाता है भाई। वेंटिलेटेड सीट्स भाई ये तो मतलब मेरे को तो अपने हिसाब के बंदे हैं जो उस हिसाब से तो बेफालतू का फीचर लगता है। आप यूज करते हो या नहीं करते भाई? फिर आपने इसका मजा ही नहीं लिया। जब एक गर्मी पड़ती है ना, जब सीट पीछे से भीगती है, ये बात तो ये भी है। नहीं देती भाई। अच्छा भाई, इसका अलग ही मजा आता है। भाई आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो अच्छी लगी हो। तो भाई वीडियो यहीं खत्म करते हैं, अपना चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके जरूर जाएं।